नहीं रहे जैन मुनि तरुण सागर। 51 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। बीमारी के चलते कई दिनों से अस्पताल में थे भर्ती। देश का सबसे बड़ा पेमेंट बैंक आज से होगा शुरू। पीएम मोदी करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का उद्घाटन। पहले दिन से शुरू होंगे 650 ब्रांच। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मानसरोवर यात्रा का आज दूसरा दिन। नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचे राहुल। 12 सितंबर तक चलेगी यात्रा। बिहार एनडीए में छिड़ा घमासान। बीजेपी से अलग अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं नीतीश। एनडीए के 2020 के फॉर्मूले को किया नामंजूर। विधि आयोग का केंद्र सरकार को झटका। कहा समान नागरिक संहिता की जरूरत नहीं, सभी धर्मों के पर्सनल लॉ में सुधार की जरूरत। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना के कैंप पर आतंकी हमला। फायरिंग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट। झमाझम बारिश से नोएडा गुरुग्राम में लगा जाम। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और बिहार को लेकर अलर्ट जारी। जारी है जनता पर महंगाई की मार। तेल की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल 78.68 रुपये प्रति लीटर। मुंबई में 86 रुपये पहुंची कीमत। एशियाड में स्क्वैश में गोल्ड मेडल के लिए आज हांगकांग से होगी भारत की भिड़ंत। पुरुष हॉकी में कांस्य के लिए पाक से होगा मुकाबला। और साउथहैम्पटन में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच में भारत की पहली पारी 273 रन पर सिमटी। चेतेश्वर पुजारा ने जड़ा शतक। भारत को मिली 23 रनों की बढ़त।